और तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेरिका की। भारत दौरे के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बस अब कुछ ही देर में उड़ान भरने वाले हैं। उनका विमान, विशेष विमान तैयार है। आप देख सकते हैं F-1 की तस्वीरें और ओबामा एंड्रयूज एयरपोर्ट से अब से थोड़ी ही देर में उड़ान भरने वाले हैं। तस्वीरें आप एयरपोर्ट की देख रहे हैं, एंड्रयूज एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। पूरी दुनिया की नजर इस खबर पे है और इस यात्रा पे है। कई मामलों में ये यात्रा अहम होने वाली है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से ये यात्रा काफी अहम होने वाली है। आपको बता दें कि कल 10 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा भी उनके साथ होंगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम जो पहले से शेड्यूल था उसके मुताबिक 26 तारीख को गणतंत्र दिवस में विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। और ये तस्वीरें उस विशेष विमान की जिससे अब थोड़ी ही देर में बराक ओबामा उड़ान भरेंगे और कल सुबह 10 बजे के आसपास नई दिल्ली पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बराक ओबामा और फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा की। ऐतिहासिक यात्रा उम्मीद की जा रही है, एक तरह से ये होने वाली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, लंच पर भी जाना है और साथ ही साथ कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर हैं भारत में। और हाथ हिलाते हुए और F-1 उनका विमान, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी अब थोड़ी ही देर में इस विशेष विमान से उड़ान भरेंगे। तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं वॉशिंगटन से एंड्रयूज एयरपोर्ट से विमान भरेगा। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, विशेष विमान तैयार है राष्ट्रपति ओबामा का और साथ में फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा की भी तस्वीरें हमने देखी। इंतजार न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है इस यात्रा पर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में भी बहुत लिखा जा रहा है इस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में। भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो और घनिष्ठ इससे होंगे ऐसा माना जा रहा है। Air Force 1 अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का ये विमान अब मेरीलैंड एयरफोर्स बेस से उनको लेकर हिंदुस्तान आएगा और कल सवेरे भारतीय समय के मुताबिक 10 बजे उनका औपचारिक स्वागत होगा पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर। और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा वहां जब जैसे ही दिल्ली में लैंड करेंगे तो पीयूष गोयल जो ऊर्जा मंत्री हैं वो उनके मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, उनको लेकर राष्ट्रपति भवन आएंगे जहां औपचारिक तौर पर एक ट्राई सर्विसेज सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर इन्हें अंतर सेना कमान गार्ड जिसे कहते हैं उनको ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा, उनका औपचारिक स्वागत होगा और उसके बाद उनकी 3 दिन की भारत यात्रा शुरू होगी। हालांकि श्वेता, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आगरा का प्रधान राष्ट्रपति बराक ओबामा का दौरा है, आगरा का दौरा रद्द कर दिया जा चुका है। जी बिल्कुल, सऊदी अरब जाना है राष्ट्रपति बराक ओबामा को। सऊदी अरब के राजा की मृत्यु होने की वजह से वहां पर पहुंचना है, दुनिया भर के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, इसी वजह से आगरा का दौरा रद्द हो गया है। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें इस यात्रा पर और इस विमान को आप देख सकते हैं F-1 विशेष विमान जो कि थोड़ी ही देर में अब यहां से उड़ान भरने वाला है। गौरव, अगर आप कुछ बता सके F-1 के बारे में, क्योंकि सभी जानते हैं F-1 विमान के बारे में जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष विमान है, इसकी खासियत के बारे में अगर कुछ आप बता सके। अनोखा विमान है ये Air Force 1, विश्व में अपने तरीके का इकलौता ऐसा विमान है Air Force 1। ये विमान एक मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन भी है, इस पर अगर किसी तरह का हमला होता है तो इसमें जो फ्लेयर्स एंड शाफ्ट्स है ये अपनी ही तरफ से ये अपनी सुरक्षा भी कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये विमान है, दुनिया भर में उनका संपर्क तोह लेने की काबिलियत, उन पूरा एक इसको उड़ता हुआ व्हाइट हाउस भी कहते हैं अमेरिका में एक तरह से। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साथ उन व्हाइट हाउस का उनका पूरा दफ्तर उनके साथ चलता है और विश्व भर की हर गतिविधि के बारे में जिसके बारे में राष्ट्रपति बराक ओबामा जानना चाहते हैं उनको इसकी सूचना मिलती है। इसके अलावा जो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की गाड़ी जो कैडिलैक उनकी बीस्ट है
उसे एक यूं कहें तो वो भी उनके साथ भारत आ रही है। दो उस तरह की गाड़ियां हैं जो भारत आ रही हैं, और जैसा आप बिल्कुल सही बता रही थी कि आगरा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मन की बात और फिर श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम है, उसके बाद वो सीधा यहाँ से रियाद जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे। वहाँ के किंग अब्दुल्ला अल अजीज के निधन के बाद वहाँ पर सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच जो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, उसको देखते हुए पहले उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन जाने वाले थे, लेकिन अब राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद वहाँ सऊदी अरेबिया जाएंगे। हालांकि सऊदी अरेबिया में शोक मनाना मना है, लेकिन फिर भी दुख की इस घड़ी में सऊदी अरेबिया के लोगों के साथ साथ होने के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद वहां पर जाएंगे भारत के औपचारिक फंक्शन के बिल्कुल बाद। श्वेता, बिल्कुल, तो 3 दिनों का कार्यक्रम, हालांकि 27 तारीख को थोड़ा सा क्रिस्प हो गया है, थोड़ा छोटा हो गया है कार्यक्रम, क्योंकि सऊदी अरब जाना है अमेरिकी राष्ट्रपति को। और आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्वींसलैंड एयरपोर्ट की आप तस्वीरें, एंड्रयूज एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं वॉशिंगटन से, और थोड़ी ही देर में एयरफोर्स वन, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा उसके साथ उड़ान भरने वाला है। और 10 बजे कल नई दिल्ली में ये देखिए तस्वीरें, ये रनवे पर धीरे धीरे अब चलना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं विमान आगे की तरफ बढ़ता हुआ, और टेक ऑफ अब थोड़ी ही देर में ये विमान करेगा। इंतजार इस ऐतिहासिक यात्रा, ऐतिहासिक पल की, और थोड़ी ही देर में अब विमान ये टेक ऑफ कर जाएगा। उस प्रोसेस में आगे बढ़ता हुआ विमान हवाई पट्टी पर दौड़ता हुआ, वॉशिंगटन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एयरफोर्स वन विमान की, जिसकी खूबियों के बारे में आपको गौरव ने बताया कि अपने आप में अद्भुत और अकेला ये विमान है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए खास करके तैयार किया गया है, जिसमें हर तरह की सुविधा है। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी जानकारी अगर वो पाना चाहते हैं तो इस विमान में बैठे बैठे पा सकते हैं। किसी भी तरह से हमले को झेलने की क्षमता है इस विमान में, हर तरह के हमले को झेलने की क्षमता है इस विमान में। और भारत के लिए रवाना होते अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा। वॉशिंगटन के एंड्रयूज एयरपोर्ट पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, रनवे पर दौड़ता हुआ और थोड़ी ही देर में टेक ऑफ करेगा अमेरिकी राष्ट्रपति का ये एयरफोर्स वन विमान। समय के मुताबिक, अगर भारतीय समय के मुताबिक देखा जाए तो कल सुबह 10 बजे के आसपास पालम एयरपोर्ट पर ये विमान लैंड करेगा, विशेष विमान, जहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का और उनकी पत्नी का। और पूरी तैयारियां, भारत की तैयारियों के बारे में तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं कि किस तरह के ना सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, बल्कि किस तरह से स्वागत किया जाए अमेरिकी राष्ट्रपति का, उसके लिए भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं काफी पहले से। हालांकि टाइट शेड्यूल रहने वाला है, कल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है, लंच पर मुलाकात होनी है, उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते रहे हैं पहले से, उसे रिन्यू करने की बात की जा रही है, यानी कि एक नए सिरे से उसे देखने और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी इस बातचीत के जरिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और उनकी यात्रा जितनी सफल रही थी, उसे देखते हुए उसके बाद उनका अमेरिकी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना और ओबामा का ये स्वीकार करना, आतिथ्य अपने आप में कई मैसेज देता है, कई संदेश देता है, ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को। इसलिए ना सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है इस खास और विशेष यात्रा पर।